आखिर क्यों हनुमान जी ने अपनी द्वारा बनाई गई रामायण को समुद्र में विसर्जित कर दिया? दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पहली रामायण महर्षि वाल्मीकि जी ने नहीं बल्कि स्वयं महाबली हनुमान जी ने लिखी थी। कहा जाता है जब महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी तब ये लेख भगवान शिव को समर्पित करने के लिए कैलाश पर्वत पहुँचे, जहाँ उन्हें हनुमान जी भी मिले। हनुमान जी ने भी अपने प्रभु श्री राम के लिए विशाल शिलाओं पर अपने नाखूनों से रामायण लिखी हुई थी, जिसे हनुमद रामायण कहा जाता है। जब वाल्मीकि जी ने हनुमद रामायण पढ़ी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वह उदास भी हो गए। कारण पूछने पर उन्होंने हनुमान जी को बताया कि मैंने रामायण को लिखने के लिए कई वर्षों की साधना और तपस्या की है, परंतु आपके लिखी रामायण के आगे मेरी रामायण तो कुछ भी नहीं है। जिस पर हनुमान जी ने कहा, तो क्या हुआ आर्षिवर, आपकी लिखी रामायण में भी तो प्रभु श्री राम की ही महिमा है। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी शिला में लिखी रामायण को उठाया और समुद्र में विसर्जित कर दिया। इस तरह हनुमद रामायण हमेशा हमेशा के लिए समुद्र में विसर्जित हो गई। बेटे मुझे इग्नोर मत करना, आज तुम्हारे घर खुशखबरी आने वाली है। बस तू फॉलो करके जय श्री राम लिखना और सिर्फ अपने पक्के 5 दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देना।